हमने तो जो पहले से आदेश निर्देश और नियम बने हुए हैं उन सबकी पालना करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विद्यालय में हमने वातावरण ठीक करने के लिए कोशिश की कि कोई भी अध्यापक स्कूल समय में भैरव जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय न छोड़े। यदि इसको जाना है तो छुट्टी लेके जाए, रिटर्न में जाए, वो भी रजिस्ट्री में दर्ज होगी कि चिट्ठी लेके गया, अन्यथा हम जिस प्रकार से जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी तो हम देख करके मौके छोड़ रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, नहीं माने तो हम निलंबन से लेकर के बर्खास्त तक की कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, हमने मोबाइल मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है। विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, तो शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता उस वक्त, तो प्रिंसिपल की रेख में रखेगा। केवल प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा, भाई कोई इमरजेंसी हो जाए किसी की, तो प्रिंसिपल का फोन आएगा और वो उसको इतला कर देंगे या बात करा देंगे। इसके कारण से जो बच्चों की पढ़ाई का हाश हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वो भी बचेगा। ऐसे ही हमने कहा है कि जो अध्यापक है, जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने से पहले पढ़ करके जाए ताकि बच्चों की समस्याओं का समाधान ठीक प्रकार से कर सके। विद्यालय के जितने भी हमारे खेल के मैदान हैं उन पर कहीं अतिक्रमण है तो सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे, अभियान के रूप में ले लिया और काम करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी छोटी छोटी बातें थी, उसका हम निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।